सम्मिलानी मेडिकल कॉलेज इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। खास बात तो ये है कि यहाँ का पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट डे एट योर कॉलेज, सो व्हाट अबाउट द कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम? एकेडमिकली इट इज़ अ वेरी गुड कॉलेज, टेस्ट भी सारे अच्छे से कंडक्ट करवाए जाते हैं। अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल, PW से पढ़कर हज़ारों बच्चों ने अपना सपना पूरा किया है। इस बार नेट 2023 में PW से 20,000 प्लस फ्यूचर डॉक्टर्स बने हैं। 7 PW के स्टूडेंट्स ने अंडर टॉप 100 AIR सिक्योर करी है। 700 प्लस मार्क्स लाने वाले 15 PW स्टूडेंट्स है और 650 प्लस लाने वाले 1500 स्टूडेंट्स। दिस ईयर PW हैज़ प्रोड्यूस द मोस्ट हिस्टोरिकल रिजल्ट एवर। आपके एम्स जाने के सपने को पूरा करने में आपकी हेल्प करने PW न्यू बैचेस लेकर आया है। PW इज सेलिब्रेटिंग गुरु पूर्णिमा दिवस फ्रॉम 3rd July टू 8th of July, सो नाउ दे अगेन केम अप विथ अमेजिंग ऑफर्स। यकीन 3.0 बैच इंडियाज स्ट्रॉन्गेस्ट नीट ड्रॉपर्स यकीन 3.0 आपका रोड मैप 250 से 650 मार्क्स तक। और ये बैच उनके लिए है जो नीट 2024 को क्लियर करना चाहते हैं और डॉक्टर बनता हुआ देखना चाहते हैं। इसका प्राइजेस है ₹3,600। इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 3rd of July से। तो अगर आपको नहीं पता है, मैंने यकीन बैच से ही अपना प्रिपरेशन किया था 3500 में, फर्स्ट यकीन बैच जो था, एंड आई क्लियर नीट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो यू विल गेट यकीन 2.0 2024 प्लस यकीन 1.0 2024 फ्री विद दिस यकीन 3.0 बैच। नाउ अर्जुना नीट 2.0 2024 बैच फॉर क्लास 11th नीट एस्पायरेंस इन जस्ट ₹3,600। लक्ष्य नीट 2.0 2024 बैच फॉर 12th क्लास नीट एस्पायरेंस इन जस्ट ₹3,600। इन ऑल द PW बैचेस आपको मिलेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो बनाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटानी एंड जूलॉजी में परफेक्ट। क्लासेस विल बी 6 days इन अ वीक एंड 3 live lectures पर डे। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद देयर वीडियो सॉल्यूशंस इन क्विज फॉर्मेट। PDF नोट्स ऑफ ईच क्लास विल बी अपलोडेड ऑन PW ऐप। शेड्यूल टेस्ट विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्लानर। लेटेस्ट न्यूज़, PW लेकर आया है MBBS स्टूडेंट्स के लिए PW मेड एड। बुक्स आपको मिलेंगे। ईच बैच हैज़ इट्स ऑन सेट ऑफ बुक्स विच यू कैन परचेस यूजिंग माई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ए सेट ऑफ 15 कम्प्रहेंसिव बुक्स विथ डिटेल थ्योरी विथ नीड टू नो एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स एंड सॉल्व मिसलेनियस एग्जाम्पल्स टॉपिक वाइज लर्निंग प्लस मल्टी कॉन्सेप्ट MCQ कवर्ड इन एक्सरसाइजेस मैच द कलम करेक्ट इनकरेक्ट पेयर MCQs स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड एंड एसर्शन रीजन MCQs इन द मल्टी कॉन्सेप्ट सेक्शन फॉर ए कंप्लीट प्रैक्टिस नीट पास 10-year क्वेश्चन एलेबोरेटेड सोल्यूशन। सो आप PW कोर्सेज को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन या फिर पिंड कॉमेंट में दिए गए मेरे लिंक से जाओ और मेरा कूपन कोड यूज़ करो ताकि आपको मिले ₹150 का इंस्टेंट डिस्काउंट। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सो आई एम विपाशा बोस, अ सेकंड प्रोफेशनल MBBS स्टूडेंट फ्रॉम बांकुरा सम्मिलानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सो टुडे आई एम गोइंग टू हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट माय लाइफ एट माय UG कॉलेज दैट इज बांकुरा सम्मिलानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सो देयर इज अ लॉट टू शेयर, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। सो मेरे पास सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है एंड आई विल बी एंसरिंग देम वन बाय वन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वाज द फर्स्ट डे एट योर कॉलेज? So like every other medical college, the first day was surprising. It was awesome. So first day, I still remember the date. It was 15th of March 2022. So मैं अपने पापा के साथ गई थी सेंट्रल लेक्चर थिएटर में एंड वहाँ पे सारे बच्चे आए थे, उनके गार्जियंस भी आए थे, उनके माता पिता जो भी है आए थे एंड वहाँ पे वी मेट अ लॉट ऑफ प्रोफेसर्स लेक्चरर्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रनील विश्वास सर जो कि हमारे देन प्रिंसिपल थे एंड डीन सर से भी हम मिले थे, MSVP सर से भी मिले थे, सारे HOD से मिले थे। तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस और क्योंकि सेंट्रल लेक्चर थिएटर बहुत ही सुंदर है, वो नया बना है, तो द फर्स्ट डे स्टार्टेड क्वाइट ब्यूटीफुल। और मुझे अभी भी याद है प्रिंसिपल सर वाला लेक्चर, ही स्टार्टेड लाइक दिस, अ वेरी हॉटी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो उसे सुनकर ही हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड हो गए थे, उनकी पॉजिटिविटी, उनकी ऑरा हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया था। ऐसे ही रहा हमारा फर्स्ट डे, इट वॉज ब्यूटीफुल नॉट ओनली बिकॉज कि हमने नीट क्रैक कर लिया है, इट वॉज ऑल्सो ब्यूटीफुल बिकॉज क्योंकि हमने वो खुशी, वो प्राउड फीलिंग अपने पेरेंट्स के आँखों में देखा उस दिन। उनको लगा कि हाँ, हमने सच में कुछ अच्छा अचीव किया है एंड इसी के साथ साथ सारे टीचर्स ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया एंड एट द सेम टाइम उन्होंने हमें ये भी समझाया कि दिस इज जस्ट द बिगनिंग एंड देयर इज अ लॉट टू डू एंड देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। So it was a wonderful experience. Now the next question is, how is my college different from the other colleges in this state? So Bankura Sammilani Medical College is located in West Bengal.
तो वेस्ट बंगाल के सारे मेडिकल कॉलेजेस लगभग सेम ही है एकेडमिकली अगर बात किया जाए तो। अगर लोकेशन वाइज मैं देखूँ तो बांकुड़ा इज लोकेटेड इन द आउटस्कर्ट्स, तो यहाँ पे उतना फैसिलिटीज शायद आपको ना मिले जो कि एक सिटी लाइक कोलकाता या फिर सिलीगुड़ी जैसे शहरों में मिलता हो। बट यहाँ पे सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ का पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। एंड चूंकि यहाँ पे अगल बगल में ऐसा कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, तो यहाँ पे जो पेशेंट लोड होता है वहाँ पे बहुत सारा बिग बिग केसेस भी डिस्कस किए जाते हैं। एंड अभी तो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी आ चुका है बांकुड़ा में, तो अभी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह एंड रेडिएशन केमोथेरेपी वगैरह सब कुछ अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो इट इज़ डिफरेंट और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमने ये भी सुना है यहाँ के जो इंटर्न होते हैं वो इतने क्वालिफाइड होते हैं, क्योंकि इधर पे बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड है तो उनको उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाता है इस चीज़ का। वो स्ट्रेस में रहते रहते ये चीज़ सीख ही लेते हैं कि बाहर के पीजीटीस आते हैं तो इंटर्न पीजीटीस को सिखा रहे होते हैं, इस लेवल का यहाँ पे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इट इज़ अ वंडरफुल थिंग यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे खुद ऑब्जर्व किया है कुछ दिनों में। एंड सबसे पहले तो मुझे लगा था कि इट इज़ लाइक इन बैकवर्ड एरियाज, तो मुझे लगा था कि शायद यहाँ पे कुछ कमी हो पढ़ाई लिखाई में, या फिर जो हमें फैसिलिटीज मिलनी चाहिए एज ए मेडिकल स्टूडेंट उस चीज़ का कोई कमी हो, मुझे ऐसा लगा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल्स में सारा तुम्हें सब कुछ का सप्लाई मिल जाता है। एज सच मुझे एकेडमिकली कोई भी आज तक ऐसा कुछ कमी महसूस नहीं हुआ, उल्टा आई फील कि यहाँ पे और एनी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा फोर्स किया ही जाता है। तो व्हाट इज़ डिफरेंट इज इधर का पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, एंड सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी आ चुका है, प्लास्टिक सर्जरी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ भी इधर को शुरू हो रहा है, एंड यहाँ का प्रैक्टिस बहुत अच्छा है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग ओवर हियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ द टीचिंग फैकल्टी हियर? तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि टीचिंग फैकल्टी इन एनी अदर मेडिकल कॉलेज इन वेस्ट बंगाल सब सेम है। तो यहाँ पे मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, जो वो लोग शेड्यूल देते हैं लाइक फर्स्ट ईयर में मैंने ये देखा था कि फर्स्ट ईयर में उन्होंने बताया था कि ये सारा सिलेबस इतने दिनों में कंप्लीट कराया जाएगा, एक शेड्यूल आता है, तो उतने दिनों में ही कंप्लीट कराया गया था। मैंने ये स्कूल में महसूस किया था कि कहीं ना कहीं कोई छूट मिल जाती है स्कूल में, बट मेडिकल कॉलेज में मेरे को एक भी दिन का छुट्टी नहीं मिला था। मैं तो थक जाती थी कि कब शेड्यूल थोड़ा सा हल्का हो, बट ऐसा कभी नहीं हुआ। शेड्यूल वॉज वेरी वेरी टाइट। एंड यहाँ पे प्रोफेसर्स तो आपको हर तरह के मिलेंगे, लाइक इन स्कूल ऑल्सो यू हैव सीन कि कोई कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई कोई उतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट वो लोग ट्राई करते हैं कि तुमको वो अपना बेस्ट दे पाए, एंड जितना भी आपको चाहिए होता है वो आपको हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। और इनफैक्ट आपको ऐसे भी टीचर मिल जाएंगे जो कि आपकी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली शेप कर दे। और यहाँ पे दो तीन टीचर ऐसे हैं जो कि हमारे रोल मॉडल्स जैसा बन चुके हैं। तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से होगी कि नहीं होगी इस चीज़ की चिंता तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अकेडमिकली इट इज़ अ वेरी गुड कॉलेज। टेस्ट भी सारे अच्छे से कंडक्ट करवाए जाते हैं, एंड कुछ कुछ डिपार्टमेंट तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो उसी स्ट्रिक्टनेस के अंदर में रह के तुम्हारा बहुत अच्छा सा प्रिपरेशन भी हो जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट डैट। मुझे जहाँ तक पता है, मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं बोलूँगी कि टीचिंग फैकल्टी इज बेस्ट हियर। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर क्लासरूम? तो सबसे पहले कैंपस देखो, यहाँ पे कैंपस ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही साथ तुम्हें मिल जाएगा, यहाँ पे सारा चीज़ अलग अलग स्प्रेड हुआ है। तो पहले एक कैंपस है जिसको लोकपुर कैंपस कहते हैं, वो फर्स्ट ईयर वालों के लिए है सेपरेट, और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हमारा एक कैंपस है गोविंद नगर कैंपस जिसको नूतन भवन भी बोलते हैं। तो ये दोनों हो गया अकेडेमिक ब्लॉक, अलग अलग जगह पे है। और जो है हॉस्पिटल वो थोड़ा सा दोनों कैंपस से अलग है, और हॉस्टल्स दोनों कैंपस से अलग है। बट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दूर जाना होगा, एक ही एरिया पे है, बट आपको एक ऐसा मिलेगा कि बीच में से आपको सड़कें भी मिल जाएंगे, आपको लोकल लोग भी आते जाते हुए दिख जाएंगे, दुकानें भी मिल जाएंगी आपको, तो सब कुछ एक साथ है यहाँ पे। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो एस बिकॉज ये कॉलेज बहुत ज़्यादा पुराना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको उतना भी अप टू द मार्क नहीं मिलेगा, बट उतना खराब भी नहीं मिलेगा कि आप देखो कि टूटा फूटा हुआ है, ऐसा भी नहीं है। आपको जितना ज़रूरत होता है लाइक बैठने वैठने का, आपको स्मार्ट बोर्ड एंड ब्लैक बोर्ड वगैरह, आपको उस चीज़ में बिल्कुल भी कमी नहीं मिलेगी। और ऐसी क्लासरूम में आपको ऐसी मिल जाएगा। और हमारे लोकपुर कैंपस में फर्स्ट ईयर में हमें 2 LT में पढ़ाया जाता था। टू सम अप, आपको जितना ज़रूरत है उतना आपको दिया ही जाएगा, उससे ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्ट करने लग जाओ एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, और वो भी इतना पुराना, तो दैट इज़ नॉट राइट फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द पेशेंट लोड? तो एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, पेशेंट लोड इतना ज़्यादा है, जब तुम पहली बार हॉस्पिटल में एंट्री करोगे
तभी तुम्हें दिख जाएगा कितना ज्यादा पेशेंट लोड यहाँ का है। कुछ और दिखे ना दिखे, तुम्हें पेशेंट ही पेशेंट हर जगह दिखाई मिलेंगे। तो पेशेंट लोड इतना ज्यादा होने के बाद क्या फायदा होता है, जो तुम जब तुम फाइनल ईयर के बाद इंटर्नशिप करोगे, तुम इतने एक्सपर्ट बन जाओगे प्रैक्टिस में कि तुमसे उल्टा पीजीटीस आएंगे सीखने के लिए। तो दैट इज द बेस्ट थिंग आई वुड से इस कॉलेज में मुझे मिला। हाउ इज द सीनियर जूनियर रिलेशनशिप? एनी ड्रेस कोड टू बी फॉलोड? हाउ इज द हॉस्टल देयर? व्हाट डू द स्टूडेंट्स गेट देयर? एंड मेस फूड कैसा है? क्वेश्चन इज व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर? तो अराउंड 10K लगता है एकेडमिक फीस। हॉस्टल फी तो 12 रुपीज पर मंथ है। दैट इज क्वेश्चन व्हाट इज द बॉन्ड डिटेल? I hope you all enjoyed watching this video. So part 2 will be coming very very soon with all the interesting questions. To know more about Bakuro Sammilani Medical College, wait for my next video to come. Till then, take care, bye bye, see ya, have a great day.